हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन कल्याणी जूनियर्स। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.3 सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व कर ली थी। उसके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, उम्मीद है वीडियो आपने देखा होगा और क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। बच्चों, तो पर्टिकुलर इस वीडियो में हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, इस एक्सरसाइज में हम क्या सीखेंगे, उसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। बच्चों, सबसे पहले तो ये है कि एक्सरसाइज जो हमारी 11.3 है, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें जो हम सीखने वाले हैं, जो चीज़ें हम करेंगे, वो किससे जुड़ी हुई होगी बच्चों, वो हुई सर्कल से रिलेट करती हुई होंगी। बच्चों, सर्कल के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, सर्कल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, सर्कल की कुछ बेसिक जानकारी अगर आपको दे दी जाए, आपको पता होगी, लेकिन नहीं अगर है तो ये होता है सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर होता है ये, और इस सेंटर से बच्चों एक फिक्स डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, उन सब के ग्रुप को हम कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, उन्हें कहेंगे सर्कल। क्या कहेंगे? सर्कल। हमने क्या किया है, इस डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स थे, उन सबको क्या कर दिया है, उन सबको सिलेक्ट कर लिया, तो क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। ठीक है, ये हो गई सर रेडियस। रेडियस बच्चों, ये रेडियस हो गई, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, और हर एक पॉइंट पर ये क्या बनाएगी बच्चों, एक रेडियस बनाएगी। ठीक है, सेंटर से किसी भी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम कहेंगे रेडियस। क्या कहेंगे बच्चों? रेडियस। और अगर इस रेडियस को मैं ट्वाइस कर दूंगा, इस रेडियस को मैं ट्वाइस कर दूंगा, तो वो हो जाएगा मेरे पास बच्चों डायमीटर। डायमीटर, ठीक है, डायमीटर इक्वल होता है बच्चों टू रेडियस। ध्यान रखेंगे आप, है ना, हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर इस चैप्टर के लिए नहीं, आगे जब भी हम आगे क्लास में जाएंगे, हमें ये चीज़ काम आने वाली है। डायमीटर, डायमीटर होता है टू रेडियस। बच्चों, अब देखिए क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़ करती हैं हमें दिमाग के अंदर। पहली चीज़ तो सर्कल क्या होता है, फिर सर्कल हो गया तो रेडियस क्या हो गई, डायमीटर क्या हो गया, फिर सर्कमफेरेंस। अब नई चीज़ आ जाती है कि सर्कमफेरेंस क्या होता है। देखो बच्चों, क्या होता है, सपोज़ करो कि हमारे पास क्या था, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल था, जिसका हमने पेरीमीटर फाइंड किया, जिसका हमें पेरीमीटर फाइंड किया, मतलब ऑल साइड्स को हमने क्या कर दिया था बच्चों, इसमें ऐड कर दिया था, तो हमें पेरीमीटर आ गया था। मतलब ये मतलब कि यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, वापस सबको मेजर कर लिया, सबको नापा हमने, तो उसे हमने कहा बच्चों पेरीमीटर। ठीक है, लेकिन इसके अंदर पेरीमीटर नहीं होगा बच्चों, सर्कल के अंदर, इसके अंदर होगा सर्कमफेरेंस। क्या होगा? सर्कमफेरेंस ऑफ दी सर्कल, इसे हम कहेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ दी सर्कल। बच्चों, ये आपका कोई सर्कल है, मान लिया ये कोई सर्कल है, हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया मेजरमेंट को, और पूरा सर्कल राउंड करके, घूम करके हम यहाँ आ गए, तो उसे कहेंगे सर्कमफेरेंस। क्या कहेंगे बच्चों? सर्कमफेरेंस कहेंगे। बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इस सर्कमफेरेंस को फाइंड करेंगे हम, उसके लिए फॉर्मूला होगा बच्चों 2πr, 2πr। ठीक है, जहां पर r रेडियस होगी और पाई की वैल्यू आप जानते होंगे 22/7 या फिर 3.14। बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में हमें दी है, हम उसका यूज़ करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किसकी? सर्कमफेरेंस की। सर्कमफेरेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ ये चीज़ें हो गई। अब देखिए, एरिया आपको अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ पर एरिया दिख रहा है, क्या लिखा है, पाई आर स्क्वायर। आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड पाई विल बी 22/7 और 3.14। कुछ भी जो भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो वैल्यू आपको पाई की रखना है और एरिया फाइंड करना है। अब ये एरिया क्या चीज़ होती है? एरिया वो चीज़ होती है कि बच्चों, ये जो सर्कमफेरेंस है, ये सर्कमफेरेंस टोटल कितना एरिया कवर कर रहा है। बात समझ में आ रही है बच्चों? सपोज आप एक सर्कल बनाते हैं, पेयर ऑफ कंपास से। ठीक है, तो पेयर ऑफ कंपास से जो आपको ब्लैक ब्लैक लाइन दिखती है, वो होती है सर्कमफेरेंस। और जितना पेज यहाँ आपको कवर किया गया होगा, उस पेज को, ये जो पूरा पेज दिख रहा है ना आपको, इस पेज को हम क्या कहेंगे बच्चों, ये जो एरिया है, इसे कहेंगे एरिया, एरिया ऑफ द सर्कल। कैसे फाइंड करेंगे? पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपकी बुक में आपका क्वेश्चन दिया हुआ होगा, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस।
ठीक है, आपके पास क्या है बच्चों, आपके पास तीन ऑप्शंस है, थ्री ऑप्शंस यू हैव गिवन। इन तीनों ऑप्शन के लिए आपको क्या करना है, सर्कमफेरेंस को फाइंड करना है। अभी जस्ट हमने क्या किया था बच्चों, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का क्या किया था, हमने डिस्कस किया था फॉर्मूला, हमने क्या किया था, फॉर्मूला डिस्कस किया था। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे गिवन, है ना बच्चों, तीन ऑप्शन है तो अपन दो कर लेंगे, हम करते हैं बी, है ना, बी ऑप्शन से हम शुरू करते हैं गिवन। देखिए बच्चों यहाँ पर रेडियस है ना बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल और इसे अपन सपोज करते हैं आर, 28 mm। ठीक है बच्चों, यूनिट ध्यान रखेंगे, यूनिट, ठीक है, यूनिट आपको ध्यान रखना है, 28 mm रेडियस अगर हमें गिवन है तो देयरफॉर हमें फाइंड करना है बच्चों सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा बच्चों, सर्कमफेरेंस होते हैं 2πr के इक्वल, 2πr के इक्वल होती है। 2π की वैल्यू आपको कहा है बच्चों, कहा है स्पेशली कि पाई की वैल्यू कितनी रखनी है आपने को, 22/7 हम यहाँ पाई की वैल्यू भी लिख देते हैं, ठीक है बच्चों, 22/7 हमें पुट करना है। r, r की वैल्यू है 28 mm, ठीक है, यूनिट में लिख दूंगा क्योंकि इस यूनिट में ही हमें आंसर करना है, यहाँ पर 7 है, 7 की टेबल से ये कट हो जाएगा, कट करना आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो सीख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। 28 के अपॉन में 1 सपोज किया जा सकता है, माना जा सकता है, यहाँ पर भी 1 सपोज किया जा सकता है, 7 × 1 = 7 और 7 × 4 होता है 28, 7 × 4 = 28, ठीक है। अब 4 × 2 हो जाएगा बच्चों 8 और मल्टीप्लाई हमें 22 से करना है, दिस इज गोइंग टू बी mm, ठीक है। देखो बच्चों अब क्या करना है, 8 × 2 = 16 + 1 = 17 एंड दिस इज गोइंग टू बी mm, हम लिखेंगे देयरफॉर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विल बी 176 mm, ठीक है बच्चों, यूनिट mm ही होगी, ठीक है, यूनिट की पावर चेंज नहीं होगी, पावर 1 ही रहेगा, बात आपको समझ में आ गई होगी, आसान सा क्वेश्चन है। एक ऑप्शन और देख लेते हैं हम, ऑप्शन सी देख लेते हैं, ऑप्शन ए को आपको खुद करना है सॉल्यूशन, गिवन, ठीक है बच्चों, गिवन रेडियस ऑफ सर्कल आर इक्वल 21 cm, 21 cm आर दिया है बच्चों, ठीक है, एंड पाई की वैल्यू भी मैं लिखी देता हूँ, यहाँ पर 22/7 हमें यूज करना है, देयरफॉर हम क्या करेंगे बच्चों, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल लिखेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल लिखेंगे कितनी होती है बच्चों, 2πr, 2πr ध्यान रखना है हमें, 2π मीन्स 22/7, r मतलब 21 cm, सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है बच्चों, देखो ये 7 × 3 = 21 हो जाएगा, 7 × 3 = 21, यहाँ 1 और यहाँ 1, ठीक है बच्चों, जब भी मल्टीप्लाई में दो फ्रैक्शन हो ऊपर नीचे वाले टर्म्स को हम कट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, 3 × 2 = 6, मल्टीप्लाई 22 और ये जो यूनिट है हमारी वो है बच्चों सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12 + 1 = 13, 132 cm, 132 cm, ठीक है। देयरफॉर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विल बी 132 cm, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है बच्चों, ये हो गया आंसर, बात समझ में आ रही है आपको। बढ़ते हैं अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट, क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास गिवन है बच्चों, रेडियस 14 mm, तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, सर्कल का एरिया फाइंड करना है बच्चों, एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है,
तो बच्चों सॉल्यूशन के लिए हम ए पॉइंट कर रहे हैं गिवन गिवन रेडियस ऑफ सर्कल आर इक्वल 14 mm। ठीक है बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है बच्चों यहाँ पर 14 mm है एंड जो पाई की वैल्यू है बच्चों वो 22/7 गिवन है, 22/7 हमें गिवन है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और अगर पाई आर स्क्वायर की बात की जाएगी बच्चों तो पाई की वैल्यू आपको 22/7 गिवन है, 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पर 14। अब इसका होगा स्क्वायर, ठीक है 14 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या करने वाले हैं हम 22/7 में मल्टीप्लाई करेंगे 14 और मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, ठीक है स्क्वायर मतलब कि 2 times इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों। 7 2 होता है 14, 7 2 होता है 14, देखो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 14, ये 22 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 44 हो गया और 14 सेम आ गया बच्चों। 44 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16 4 4 16 + 1 17, और ये हो जाएगा 44 6 11 5 4 5 6 6 6 1 6 1 6 सेंटीमीटर सॉरी। यूनिट का आप ध्यान रखेंगे बच्चों mm स्क्वायर, एरिया की यूनिट मीटर मिलीमीटर स्क्वायर होती है, यूनिट स्क्वायर होती है, यूनिट स्क्वायर, ठीक है एरिया में क्या आ जाता है आंसर यूनिट स्क्वायर हम लिखेंगे बच्चों। देयरफॉर एरिया ऑफ द सर्कल विल बी 616 mm स्क्वायर। ठीक है बच्चा लोग, ए हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, टू में ए ऑप्शन कंप्लीट हो गया बच्चों। अब देखते हैं हम बी ऑप्शन को, ठीक है बी ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर क्या है बच्चों गिवन, आपको गिवन है गिवन डायमीटर डी इक्वल कितना दे रखा है बच्चों 49 mm, एम मतलब मीटर, ठीक है 49 मीटर हमें गिवन है डायमीटर। तो बच्चों रेडियस अगर फाइंड किया जाए तो हमें पता है कि 2r इक्वल टू होता है डी फॉर डायमीटर, अगर r की बात की जाएगी तो d बाई टू होगा और ये हो जाएगा बच्चों 49/2 mm। बात समझ में आ रही है, इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हमें क्या गिवन है, हमें डायमीटर गिवन है, एंड अगर हम बात करते हैं बच्चों वैल्यू ऑफ पाई तो ये है 22/7, वैल्यू ऑफ पाई है 22/7। ठीक है सॉल्यूशन करते हैं बच्चों हम, सॉरी हाँ सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन ही है ये वैसे, ठीक है अब हम करते हैं बच्चों। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल, देखिए बच्चों डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, डायरेक्ट कर सकते थे, देखो यहाँ पर कितना है हमारे पास, नहीं कर सकते थे ना यार डी नहीं नहीं पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल 22/7 आपको गिवन है, आर स्क्वायर की वैल्यू हम रखेंगे 49 बाय टू और इसका स्क्वायर, ठीक है बच्चों 49/2 स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई 49/2 एंड मल्टीप्लाई 49/2, 2 times हमें लिखना है ना बच्चों, ठीक है देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 11 हो जाएगा और ये कैंसिल होने पर 7 7 14 हो जाएगा, ठीक है बच्चों 49 तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास बचेगा 77 मल्टीप्लाई 49 डिवाइड में 2। तो बच्चों देखो अब इसके इसे आप क्या करोगे, वापस से मल्टीप्लाई करोगे 77, ठीक है मल्टीप्लाई करने के लिए मैं चलो मल्टीप्लाई करता हूँ 77 मल्टीप्लाई 4 9 9 7 63 7 9 63 प्लस 6 70, ठीक है 4 7 28 4 7 28 प्लस 2 36 8 7 3, ठीक है डिवाइड बाय 2
बच्चों 3773 अपॉन 2, 2 करते हैं, 2 1 is 2, माइनस 1, 7 आ जाएगा, 2 8 जा 16, बचेगा यहाँ से 1, 2 8 जा 16 अगेन, बचेगा 1, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12.5, ठीक है जो 1 8 8 6.5, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, मीटर स्क्वायर। तो आंसर किस तरीके से आप लिखेंगे, है ना बच्चों, आंसर लिखेंगे, सो देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल विल बी 1886.5 मीटर स्क्वायर, ये हमें लिखना है, ठीक है बच्चों, दिख रहा है, समझ में आ रहा है आपको, है ना, ये सारी प्रोसेस है और इसका आंसर ये आएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ दिस गिवन सर्कल, ठीक है बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल शीट इज 154 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट एंड टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। सॉल्यूशन में लिखेंगे बच्चा लोग, गिवन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्क्यूलर शीट इज इक्वल टू 154 मीटर, ठीक है, 154 मीटर गिवन है। नाउ एंड पाई की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, 22/7 पाई की वैल्यू गिवन है, पाई, ठीक है। देयरफॉर अब हम लिखते हैं बच्चों, अगर हम बात करते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की, तो वो होता है 2πr, है ना, रेडियस हम सपोज कर लेते हैं r, है ना बच्चों, रेडियस r, लेट रेडियस इक्वल टू r सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल अगर निकालते हैं तो हमारे पास है 154, है ना, इक्वल m इक्वल 2 पाई मींस 22/7 मी, और इसमें मल्टीप्लाई करना है r से, ठीक है, देखो 154, ठीक है बच्चों, 154 में मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, ये जो 7 है इस 7 से होगा मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई होगा और 2 मल्टीप्लाई 22 से क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा, तो ये देखो ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, कैंसिल हो गया, 77 आया, देखिए 11 7 ज़ा होता है 77 और ये होता है 11 2 ज़ा 22, देखिए बच्चों, तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 7 7 ज़ा 49/2, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 49/2, और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, एम मीटर, ठीक है, मीटर में ये आ गई रेडियस, ठीक है बच्चों, रेडियस आ गई है हमारे पास 49/2 मीटर। अब हम देखते हैं आगे, देयरफॉर अब लिखेंगे हम एरिया ऑफ द शीट और द सर्कल, ठीक है बच्चों, सर्कुलर है, सर्कुलर शीट है, ठीक है, कितनी है, हो गया पाई आर स्क्वायर लिखते हैं ना बच्चों, 22/7 पाई की वैल्यू गिवन है, 49/2 आर स्क्वायर, तो मैं 2 times लिख देता हूँ उसको डायरेक्ट, पहले ही 2 times लिख देता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा 11 2 11 ज़ा 22, 7 7 ज़ा 49, ठीक है, देखो बच्चों ये हो जाएगा 77 × 49 और डिवाइड करेंगे हम 2 से, ठीक है, अभी आया था, अभी थोड़ी देर पहले किया था, कितना था, 1 1 3 8 8.6 मीटर स्क्वायर, इससे पहले वाला जस्ट क्वेश्चन अभी हमने किया था, वही वाला ये, ठीक है, यही था, चेक कर लेता हूँ एक बार, 7 7 × 49 करता हूँ, ठीक है,
1886.5 था बच्चों, 1886.5 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर करेक्ट है। सो एरिया ऑफ सर्क्यूलर शीट विल बी 1886.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अ गार्डनर वॉन्ट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज इफ ही मेक्स टू राउंड्स ऑफ फेंस, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप इफ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर। ठीक है, टेक 22/7। सॉल्यूशन बच्चों, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर। देखो क्या है यहाँ पर कि एक गार्डनर है ना, गार्डनर मतलब माली, क्या करता है बच्चों, उसके सर्कुलर गार्डन को, सर्कुलर गार्डन है सर्कल के टाइप का गार्डन, उसको वो फेंस करना चाहता है। फेंस मतलब कि चारों तरफ उसकी बाउंड्री को कवर करना चाहता है, जिसका डायमीटर 21 मीटर है। तो हम लिखेंगे बच्चों गिवन डायमीटर ऑफ सर्क्यूलर गार्डन इक्वल 21 मीटर, देयरफॉर अगर बात करें बच्चों रेडियस की बात की जाए तो वो हो जाएगा 21/2 मीटर। ठीक है बच्चों, 21/2 मीटर। ठीक है, डिवाइड करना है 2 से, रेडियस आ जाएगा। और ऑल्सो हमें क्या गिवन है बच्चों, पाई की वैल्यू गिवन है 22/7, हमें पुट करना है। तो देखो अब क्या करने वाले हैं हम, देयरफॉर अब क्या करेंगे हम निकालेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ गार्डन। देखो ठीक है बच्चों, सर्कमफेरेंस ऑफ गार्डन की सर्कमफेरेंस होगी बच्चों 2 पाई आर के इक्वल होगी, 2 पाई मीन्स 22/7, आर की वैल्यू 21/2। ठीक है बच्चों, 21/2 हमें यहाँ पर ये निकाल रखा है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज पुट कर दी इसके अंदर, ये हो जाएगा इससे कैंसिल और ये हो जाएगा इससे कैंसिल। देखिए बच्चों, 3 2 6 क्या आ जाएगा, ये मीटर है ना, 66 मीटर लंबी हमें क्या चाहिए बच्चों, रोप चाहिए, रोप जिससे ये क्या हो सके, कवर हो सके। पर ये एक ही क्या करेगी बच्चों, वन टाइम के लिए है ना। बट गार्डनर needed 2 rounds, तो देखो जो 2 × 66 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 12 और 6 × 12 + 1 132 meter हमको उसको क्या चाहिए कि बच्चों, रोप चाहिए कंप्लीट करने के लिए है ना, एरिया कवर करने के लिए। नाउ कॉस्ट ऑफ रोप अगर निकालेंगे हम, कॉस्ट ऑफ रोप निकालेंगे तो वो होता है बच्चों, वो होता है लेंथ, ठीक है लेंथ, और मल्टीप्लाई में रेट कर देता हूँ ना, ठीक है, जितनी आपको चाहिए जितनी रिक्वायर्ड है उसमें क्या करेंगे, रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, रेट से मल्टीप्लाई करने पर देखो लेंथ मेरे पास आया है 132 मीटर मेरे पास लेंथ आ गया। अब मुझे क्या करना है बच्चों, रेट से मल्टीप्लाई करना है, ये मीटर है और मेरे पास क्या है बच्चों, ₹4 per meter की रेट है। अब पर जो होता है बच्चों डिवाइड में होता है, तो ये मीटर से मीटर हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास आएगा रुपीज। देखिए 4 2 8 3 4 12 एंड 4 1 is 4 1 + 5, ठीक है 528 रुपीज। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ रोप विल बी ₹528। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है बच्चों इस क्वेश्चन को, दी एंड, क्वेश्चन को इस तरीके से यहाँ पर खत्म करना है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। From a circular sheet of radius 4 cm, a circle of radius 3 cm is removed. Find the area of remaining sheet. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन गिवन गिवन, हमें क्या गिवन है बच्चों, सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का कोई सर्कल है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर है, मतलब इसको हम आर वन सपोज कर लेते हैं, आर वन, ठीक है, स्मॉल सर्कल ऑफ रेडियस रेडियस आर टू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हैज कट फ्रॉम इट, ठीक है, इसमें से हमने 3 सेंटीमीटर का कट कर लिया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया बच्चों 3, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 4, है ना, ये कट कर लिया, तो बच्चों अब हमें ये बताना है रिमूव्ड, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, मतलब कहने का कि ये एरिया पूरा निकाल दिया तो जो रिमेनिंग शीट है उसका कितना एरिया बचेगा, ठीक है, दिख रहा है ये ब्लूश कलर जो है इसका एरिया हमें निकालना है, ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इक्वल, ठीक है बच्चों, देखो क्या करना है आपको, आपको करना है पाई आर वन स्क्वायर, ठीक है, जो बिगर सर्कल था उसका एरिया उसमें से माइनस कर देंगे बच्चों स्मॉलर के एरिया को, ठीक है, अब यहाँ पर पाई हमें कॉमन दिख रहा है, हम लिखेंगे पाई कॉमन में आर वन स्क्वायर का मतलब है 4 का स्क्वायर और आर टू का स्क्वायर का मतलब है 3 स्क्वायर, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही होगी आपको, देखेंगे यहाँ पर 22/7 लिखना है हमें, यहाँ हो जाएगा 4 4 16 3 3 9, ठीक है 4 4 16 3 3 9, अब देखो बच्चों यहाँ पर 22/7 में मल्टीप्लाई मुझे करना है किसका, देखो कितना बचेगा यहाँ से 7 बचेगा, 16 में से 9 माइनस करने पर 7 बचेगा और ये हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पर आ जाएगा 22, कितना हो जाएगा बच्चों 22 और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग ठीक है शीट विल बी 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर करना है, दी एंड, ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, साइमा wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 meter, find the length of the lace required and also find its cost if 1 meter of the lace cost rupees 15, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, साइमा कोई लेडी है ना, तो ये क्या कर रही है, इस टाइप की कोई सर्कुलर टेबल है, इस सर्कुलर टेबल को क्या करना चाहती है बच्चों, यहाँ पर इसकी जो सर्कमफेरेंस बनेगी इसके ऊपर क्या लगाने वाली है, ये लेस लगाने वाली है, या इसको मान लीजिए कोई कपड़ा है इस तरीके का जिसके ऊपर लेस लगाना है, अब इसका आपको डायमीटर गिवन है बच्चों, डायमीटर है 1.5 मीटर, ठीक है, डायमीटर आपको इस टेबल का गिवन है, तो आपको बताना है कि अगर यहाँ पर लेस लगाई जाएगी तो वो लेस कितनी होगी, और दूसरी चीज़ ये है कि इसका कॉस्ट कितना होगा ये हमें बताना है, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं गिवन डायमीटर ऑफ सर्कुलर टेबल का डायमीटर आपको दे रखा है बच्चों 1.5 मीटर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए रेडियस की बात अपन नहीं करते है ना, डायमीटर से ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, तो देयरफॉर अब बात करेंगे बच्चों हम सर्कमफेरेंस ऑफ द टेबल, सर्कमफेरेंस ऑफ द टेबल की बात की जाएगी तो बच्चों क्या होगा, ये 2πr के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा बच्चों 2πr के इक्वल होगा, 2πr, तो हम क्या कर सकते हैं 2r को एक साथ लिख सकते हैं, 2r क्या होता है डायमीटर होता है, और डायमीटर आपको दे रखा है बच्चों की 1.5 मीटर, और
पाई की वैल्यू आपको कितना बोला गया है यहाँ पर, पाई इक्वल टू रखना है सर हमें 3.14, तो यहाँ पर देखिए हम पुट करेंगे वैल्यू पाई की 3.14, ठीक हो जाएगा, समझ में आ गई बात आपको। 2r ये डायमीटर जो आपको दे रखा है d इक्वल 2r दे रखा है बच्चों, तो हमें इसको 2 से डिवाइड नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू हम, ठीक है। हमें करना है 3.14 के अंदर मल्टीप्लाई करना है बच्चों 1.5 से, है ना, तो हो जाएगा 27 15 314, दिस इज गोइंग टू बी 11 7 4 7 4 7 1 0, ठीक है बच्चों, डेसिमल आएगा यहाँ पर, और इसकी जो लेंथ होगी वो आएगी बच्चों इन मीटर, है ना, मीटर 4.710 मीटर लंबी क्या होगी बच्चों, लेस रिक्वायर्ड होगी, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर लेस रिक्वायर्ड इक्वल 4.71 मीटर, 4.71 मीटर लेंथ की हमें क्या चाहिए, लेस चाहिए, है ना, किसको चाहिए, ये साइमा को चाहिए, साइमा को, ठीक है, अब मेरे को नहीं, हमें नहीं चाहिए, साइमा को चाहिए, तो अब लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ द लेस, ठीक है, जो कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट तो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बच्चों लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड, है ना, मल्टीप्लाई रेट, है ना, रेट कर देंगे, ठीक है, कितना है बच्चों 4.71, है ना, मीटर, और यहाँ पर आपको दे रखा है रुपीज़ 15 पर मीटर, ठीक है, ये आपको रेट दे रखा है पर मीटर, ठीक है, तो बच्चों अब क्या करेंगे, देखिए मीटर से मीटर हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास बच जाएगा आंसर जो होगा रुपीज़ के अंदर आएगा, रुपीज़, है ना, 4.71 मीटर मल्टीप्लाई 15 करने पर देखो कितना आएगा, 5 1 is 5, 5 7 is 35, 20 plus 23, ठीक है बच्चों 1 7 4 5 6 0 6, देखिए ये हो जाएगा 6 0 6 और 5 डेसिमल हमें पुट करना है बच्चों आफ्टर 2, तो ये हो जाएगा 60 रुपीज़ 60.65 जो है बच्चों कॉस्ट लगने वाला है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड लेस विल बी ₹60.65, ठीक है बच्चों, इस तरीके से यहाँ हो जाएगा हमारा क्वेश्चन दी एंड, ये हो जाएगा क्वेश्चन दी एंड बच्चों, ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, फर्स्ट 2 क्वेश्चन 6, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर करना नहीं भूलें, जय हिंद, वंदे मातरम।